फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी वीडियो कैसे आप सभी लोग अच्छा करते हैं, अच्छा स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे अपने अपनी लाइफ में। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों से एक बात करनी थी फ्रेंड, तो आज मैं बहुत सैड हूँ। क्यों हूँ वो आपको मैं बताऊँगी। आप लोग ब्लॉग पर बने रहना कंटिन्यू, एंड इस वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करना, ठीक है? तो तभी आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ओके, लोगों से बताना था कि आज पापा की बहुत याद आ रही है। मैं बता नहीं सकती कितने याद आ रही है, ठीक है फ्रेंड? आप लोग समझ सकते, समझ ही जाओगे इस वीडियो को देख के। काश मेरे पापा होते। कभी कभी ना ये होता फ्रेंड, सब कमी मतलब जो नहीं रहता ना उसकी कमी कभी भी पूरी नहीं होती है। आप लोग भी समझते होंगे फ्रेंड, ठीक है? तो बस काश मेरे भी पापा होते जैसे और लोग के हैं। भगवान ऐसे क्यों करा भगवान ने। पापा की जगह कोई नहीं ले सकता फ्रेंड, कोई भी नहीं। पति हो या मम्मी हो या भाई हो बहन हो, पापा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ठीक है? सब अपनी अपनी जगह पे हैं, ठीक है? और कोई भी मैं बताना चाहती हूँ आपको मेरे पापा की डेथ कैसे हुई थी फ्रेंड, ठीक है? मेरे पापा बीमार चल रहे थे कुछ टाइम से, ठीक है फ्रेंड? तो एकदम से ना उनको पता नहीं क्या हो गया। संडे वाला दिन था, ठीक है? हम दोनों बहनें ना जॉब करती थी, मैं और मेरी सिस्टर जो दोनों तो हम ट्वींस है ना, ट्वींस, तो हम दोनों जॉब करती थी। मैं वहाँ जाती थी बहादुरगढ़, वो है ऋषिकेश में, हरिद्वार के आगे है, वो सिंह द्वार के आगे बेगमपुर पड़ता है, वहाँ पे मैं जॉब करती थी। और मेरी बहन करती थी एकम्स में, वहाँ दवाइयों की कंपनी होता है, ठीक है? तो उस दिन था सैटरडे वाली रात को पापा एकदम से ना, पापा को ले आना पड़ गया हमें शाम को ही, ठीक है? तो शाम को ही ले गए थे हम डॉक्टर के पास कि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो पापा की जो पहले ही ना पापा की जो ये उंगली होती ना अंगूठा, जब पापा पहले मेरे ना पापा पहले ठेकेदार, ठीक है? तो कंपनी चले गई थी हमारे ऋषिकेश से, जो प्रदूषण वाली कंपनी है ना, सारी की सारी चले गई थी वो कंपनी। कंपनी ना सारी चली गई थी, ठीक है फ्रेंड? तो पापा अपना ठेकेदारी करने लगे, ठेकेदारी के बाद ऑटो चलाने लग गए थे। तो उनका एक दिन एक्सीडेंट हो गया था पापा का ही, तो ऑटो पलट गया था। तो ये अंगूठा होता है ना, वो भी ना कर दिया था फिर, ठीक है? पूरा अंगूठा भी नहीं था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी फ्रेंड। फिर उसके बाद एक दिन पापा को ये पैरों में ही बाल तोड़ गया था, बाल तोड़ जानते हो ना, तो घुटनों में ना इतनी बड़ी रुई डाली थी। मेरे पापा ने बहुत दुख देखा, शायद किसी ने इतना दुख बर्दाश्त करा होगा फ्रेंड, ठीक है? तो उसके बाद सब भी सही था, सब भी सही हो गए थे पापा। फिर उसके बाद
तो उसके पापा बीमार पड़ गए थे, हम हॉस्पिटल में गए, गवर्नमेंट भी नहीं थे फ्रेंड, क्योंकि हम भी इतने बड़ी फैमिली में से नहीं है कि जो अपने पापा को प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते हैं, ठीक है। तो हम एम्बुलेंस करके ले गए थे पापा को, तो मम्मी रुकी थी पूरी रात पापा के साथ, ठीक है। फिर अंकल के पास, हमारा अंकल के पास मम्मी ने फ़ोन करा, पापा सर 2:30 बजे करीब थी, पापा की डेथ हुई थी। तो अंकल ने ना बताया नहीं हमें, हम लोगों को, क्योंकि हम तीनों की तीनों बहन ही थी बस घर पे, और कोई नहीं था। तो हम जैसे सुना ना कि अंकल ने बताया 4 बजे कि बच्चे परेशान ना होंगे तो भागेंगे, रात भी रात को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है कि नहीं है, कि भैया लड़कियाँ हैं, लड़कियों को भी आजकल तो समझ ही सकते हो कैसी सिचुएशन चल रही है, कि बाहर जाना भी वो नहीं है लड़कियों का सेफ। तो अंकल ने इसलिए नहीं बताया मुझे और मेरी बहन को। फिर मेरी छोटी बहन थी उस टाइम पे, छोटी थी वो हमसे भी, हम तो जॉब करते थे। फिर अंकल ने बताया जैसे ही ना, तो वैसे हम दोनों दोनों बहनें भागी, बहुत तेज भागी। तो हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे, वो सिद्धा बुक करने के मांग रहे थे, क्योंकि ना सुबह सुबह ना नटराज से, नटराज ढालवाला होता है ना, वहाँ से वीडियो बना, तो नटराज से ना वहाँ ऑटो भर के चलते हैं, एंड अगर किसी को जाना हो इमरजेंसी में तो पूरा ऑटो का जितने उसमें सीटें होती ना उतने पैसे देने पड़ते हैं बुकिंग के हिसाब से, ठीक है। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हिसाब से दीवार आप लोगों से क्यों झूठ बोलना फ्रेंड, ठीक है। तो फिर हम दोनों दोनों बहन भाग के गए थे हॉस्पिटल पर। तो हम दोनों के दोनों बहन बाकी गए थे, तो हमने किसी से पूछा कि कहाँ पे कौन सी उसमें मंजिल वगैरह में, तो सबसे ऊपर थे पापा। तो पापा को ना खून की उल्टी आई थी रात को 2:30 बजे करीब, खून की उल्टी करी थी पूरे पूरे बेड, पूरे बेड में खून की उल्टी उल्टी थी। खून की उल्टी आई थी तो उस टाइम तो पापा को ले भी गए थे, और उसी टाइम जब हम लोग गए थे सही बताओ तो यकीन ही नहीं होता, कभी कभी तो ना यकीन नहीं होता कि ऐसे ऐसे हो सकता था, बहुत बुरा लगता है अपने, क्या बताऊँ मैं। जब कोई हमारे साथ रहता है एकदम से दूर हो जाता है ना, ना हमारे साथ ना, तो बहुत दुख होता है। आप लोग भी समझते होंगे फ्रेंड की फैमिली में ऐसा हो जाए तो कितना हो होता है। तो पापा को फिर ना ले गए थे वो, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सब बना दिया था। तो पापा को हमसे तो एम्बुलेंस में घर लाए थे, एम्बुलेंस में कोई भी नहीं था हमारे ना रिश्तेदार ना भाई ना कोई भी नहीं। फिर मैं ना एम्बुलेंस वहाँ हॉस्पिटल में भाई को फोन करा था, फिर आए तो भाई भी सही बताऊँ तो ये वो दिन याद करके इतना रोना आता ना, कुछ वहाँ में आता है कि वगैरह बच्चों से ना माँ बाप का सहाय कर खेलना चाहिए। फिर हम एम्बुलेंस करके लाए थे पापा को घर से, तो फिर एम्बुलेंस वाले ने भी ना पैसे लिए थे, एम्बुलेंस वाले भी पैसे लेते भाई
फ्री में नहीं छोड़ते, अगर आपके पास पैसे होंगे तो ही करेंगे। उन्होंने भी पैसे लिए थे एम्बुलेंस वाले ने पापा को घर लाने के लिए। सही में पापा की कमी इतनी खलती है ना कि पूछो मत, सच बता रही इतने दुख होता है ना, मैं ही जानती हूँ। क्योंकि लड़की होती है ना, जो लड़की उसे माँ पापा का प्यार जरूर मिलना चाहिए फ्रेंड। क्योंकि पता क्या होता है, देखो अच्छा बुरा समय हर किसी का आता है फ्रेंड, है कि नहीं? अच्छा बुरा समय हर किसी का आता है। क्योंकि कब क्या हो जाए, लड़की के साथ कुछ पता नहीं होता भाई। ठीक है, 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता क्या हो जाए क्या नहीं जाए। ससुराल में जाती है लड़की, शादी होती है फ्रेंड, ठीक है, तो कुछ नहीं पता होता किसी के साथ क्या हो जाए। तो पापा ये तुम क्या बताओ, काश मेरे पापा होते ना तो कुछ और ही होता, मैं यहाँ नहीं बैठी होती हूँ आपके लोगों के सामने ये बातें नहीं बता रही होती, कुछ अच्छी बातें करती होती आप लोगों के साथ। अंदर क्या करो, मुझे इतना रोना आ रहा है, इतना रोना कुछ मत। मेरे पापा पर तो देख रहे होंगे, तो भगवान जी प्लीज ये पूछो मेरी माँ पे भी क्या बीती होगी। पति का साया नहीं है, ऊपर से 3-3 लड़कियाँ थी, हम तीन थी, 3 लड़कियाँ थी, 1 भाई था, भाई भी अलग ही रहता है वो। तो हम 3 लड़की थी, इसलिए हम जॉब करते थे भाई, क्योंकि हमारा खर्चा वगैरह चल सके सारा के सारा, ठीक है। क्योंकि खर्चा भी इतना हो जाता है ना शहरों में, पूछो मत फ्रेंड, इसलिए हम दोनों बहनें जॉब करती थी कि ताकि मम्मी की भी हेल्प कर सके कुछ हद तक, ज़्यादा तो नहीं कुछ हद तक हेल्प कर सके। हम दोनों बहनें जॉब इतनी छोटी सी उम्र में ना जॉब करते थे, पता है आपको, जब मैं स्कूल जाती थी ना तो मैं बता दूँ, स्कूल जब हम जाते थे मम्मी और मैं कितने 3-3:30 बजे उठते थे, कंपनी में जाते थे काम करने के लिए, गत्ता फैक्ट्री थी एक, तो उसमें हम काम करने जाते थे, गत्ते बनाते थे। तो मम्मी और मैं उठ गए, बहुत स्ट्रगल देखा है भैया, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराए हैं। अब जाके हमारी थोड़ी सिचुएशन सही है भाई, अपना मकान है, सब कुछ है, किराएदार भी है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है भाई। बहुत प्रॉब्लम फेस करी है हम लोगों ने भी। तो पैसे कितने मिल रहे थे वहाँ से, मैं फटाफट जाती थी मम्मी के साथ, ठीक है, दूर पड़ता था, काफ़ी दूर पड़ता था, पैदल ही जाते थे भाई, ऑटो में इतनी भी फैसिलिटी नहीं थी। और वैसे भी सुबह 4 बजे कौन सा ऑटो वगैरह कोई नहीं चलता है, तो वहाँ पे फिर गत्ता बना के मैं फटाफट आती थी, स्कूल का टाइम देती थी, स्कूल का टाइम भाग भाग के आती थी। फिर अपनी छोटी बहन है उसको भी तैयार करना था, और जो मेरी छोटी बहन है ना तो उसे हम ऐसे छोड़ देते थे पड़ोसी की आप लोग देखते रहना इसे, ठीक है, जब तो मम्मी काम करके नहीं आई भाई, तो आंटी को बोल देते थे कि देखते रहना, तो वो भी ना ऐसी घूमते रहती थी भाई, कोई कितना देखेगा किसी को भी, कोई भी इसमें है ना, कोई भी भाई आजकल किसी का नहीं होता, सारी दुनिया मतलब ही होती है। तो वो छोटी बहन भी ना ऐसी घूमते रहती थी बेचारी, फिर स्कूल जाती थी, फटाफट भाग के रोटी राटी बनाने, अपनी रोटी राटी बनानी, सारा काम करना घर का, तो बहुत ही स्ट्रगल करा फ्रेंड, मतलब बहुत ज़्यादा। भगवान किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना करे, भगवान बस यही चाहती हूँ। हमारी जितना जितना हमने हम लोगों ने हम बहनों ने सहा है ना, उतना कोई ना सहे, बस मैं ये चाहती हूँ फ्रेंड।
बस हम लोग फिर स्कूल जाते थे। जो मेरी दूसरी बहन है ना 3 साल की, वो 12वीं के बाद आई थी, नहीं 10वीं के बाद आई थी। वो अभी तो छोटे में से ही ना दादी घर के पास ही रहती थी भाई, दादी घर के साथ ही रही थी वो छोटी में से ही। तो वो आई थी 10वीं के बाद, 11वीं 12वीं उसने इसमें करी थी, वो भी मेरी शक्ल की है। हम 3 बहन हैं दोनों, और एक छोटी अलग ही है, वो जब आपको पता है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं फोटो भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो हम दोनों ने ही फिर उसके बाद ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, और नहीं तो हम 10 से पहले मैं गत्ता फैक्ट्री जा रही थी मम्मी के साथ मदद करवाने के लिए। कभी हम तार बनाते थे, तार आते हैं जो साइकिल के, वो भी हमने बहुत बनाए हैं। तो गत्ता भी हमने खूब बनाया बहुत बहुत ज़्यादा। और पता क्या होता है, हम काम करने जाते थे ना, बहुत सारे रहते थे, जैसे भाई हर कोई चाहता है कि थोड़े थोड़े 2 पैसे आ जाएँ, तो मतलब वहाँ भी लड़ाई होती थी गत्तों के ऊपर, गत्ते ये मतलब आजकल हम कोई किसी को देख के खुश नहीं है। जिसके पास जितना पैसा होगा ना उतना ज़्यादा वो लोगों को परेशान भी करता है, और एक दूसरे को देख के ना ज़्यादातर चिढ़ते रहते हैं, ठीक है। इतना पता है मुझे। तो हमने कैसे कैसे करके जितने भी पैसे कमाते थे उतने लगाते थे भाई, और इतना फालतू का खर्चा भी नहीं था। जब मैं ड्यूटी भी जाती थी ना, अपना अपना कभी 10 रुपये की चीज़ दिखाती थी, 10 रुपये की भी, क्योंकि भाई हमें पता है हमने कैसे कैसे दिन देखे थे, ठीक है। तो इसलिए ना मैं शुरू से ही 1 रुपये नहीं खाती थी, 1 रुपये भी। कोई आता भी था ना, मेरे फ्रेंड वगैरह सब खाते थे, बट मैं नहीं खाती थी कभी भी। मैं कहा 10 रुपये की चीज़ खाऊंगा तो 10 रुपये का कुछ सामान आएगा घर में, कभी भी इतना फालतू का खर्च नहीं करा। और मेरी माँ ने भी कभी भी हिसाब से चली थी, कभी भी कुछ नहीं अपने लिए, मेरी माँ भी अपने लिए कभी कुछ नहीं करा, सिंपल रहती थी जैसे और औरतें रहती है ना, कि बट ढंग के सूट नए नए सूट ऐसे वैसे करके ना, हमने ना मेरी माँ ने तो मेरी माँ को तो शुरू से ही शौक नहीं था, बिल्कुल भी शौक नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से रहती थी मेरी मम्मी। बस भगवान जो भी करा अच्छा नहीं करा। पापा की याद आ रही थी और मैं यही बताना चाह रही थी आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रगल लाइफ शेयर करी है, भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करना, बस हाथ जोड़ के।